बिगिनर्स किचन लव टेस्ट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आपको कि आज का होममेड फूड कितना ज्यादा हेल्दी और डिलीशियस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फॉलो करना ना भूलें नीचे दिए हुए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेंगे हमारी जो सामग्रियां हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अदरक और लहसुन, जिसको मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1-2 चम्मच करीब मैंने मैदा लिया है, 3 चम्मच करीब मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता लिया है। फिर लिया है मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच धनिया और जीरा का पाउडर। पानी का हमें ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 चम्मच। कुछ मसाले हैं जैसे कि नमक है 1 चम्मच, आधा चम्मच है हमारी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच है हमारी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कूट कर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम के करीब रोहू फिश। आप किसी भी फिश से इसको बना सकते हैं, टेस्ट हर फिश से ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे। इसका मैरिनेशन बनाने के लिए एक कटोरी लेंगे और फिर उसमें जो हमारे जितने भी मसाले थे उन्हें हम डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अपना मैदा और कॉर्नफ्लोर, फिर डालेंगे हमारे जो पाउडर मसाले थे उन्हें हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन कूटा हुआ, थोड़ा सा हम धनिया का पत्ता इसमें मिक्स करेंगे, इसमें कलर और बहुत ही अच्छा सा स्मेल आने के लिए मस्टर्ड ऑयल हम डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जो हमारे अजवाइन है उनको भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से थोड़ा सा हम घस लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे। इससे मैंने सुना है टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, मैंने ट्राई किया नहीं, वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उसे। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया था। और कंसिस्टेंसी हमारी देखिए इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हमारे जो फिश है उन्हें हम डीप करेंगे और बहुत ही अच्छे से मसाले को अप्लाई करेंगे। मैं अपनी हर एक रेसिपी को आपको बहुत ही डिटेल्स में बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है। और जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ मैं चाहती हूँ वो सब आप न दोहराएं, इसलिए मैं अपनी गलती भी आपको बता देती हूँ। शायद इसीलिए आज हमारी फैमिली 3K से भी ज़्यादा लोगों की मेंबर्स की हो चुकी है। तो थैंक यू अ लॉट। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं नई से नई रेसिपी घर में ट्राई करूँ और आप सबके सामने ले आ सकूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इन्हें हम मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी फिश को। एक की बारी में मैं 2 ही फिश का टुकड़ा डाल रही हूँ। हमें इसे सैलो फ्राई करना है, हमें इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सैलो फ्राई करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले तो हम लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसे जब पलटेंगे उस वक्त हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे। अच्छे से इसको दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप देखिएगा इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है मसालों का। तो अभी मैं देख चेक कर रही हूँ कि इस अच्छे से पका है कि नहीं। मैंने एक स्टिक ले लिया है और उसके अंदर मैं देखिए इस तरह से घुसा घुसा कर देख रही हूँ ये अच्छे से पक चुका है या नहीं। मेरी फिश बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि रोहू फिश है, रोहू फिश में काफ़ी ज़्यादा विटामिन रहता है। और फिर हमने ऑयल का भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया है, इसको हमने सैलो फ्राई किया है। देखिए मैं बस 1 ही चम्मच तेल इसमें डाल रही हूँ, वो चम्मच मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि 3 चम्मच मैंने तेल डाला है, बट नहीं, मैंने 1 से 1.5 चम्मच ही तेल डाला है इसमें। तो दूसरी बारी में मैं बाकी जो मेरे 2 पीस फिश बचे हुए थे उनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, चेक कर लिया कि वो अच्छे से पके हैं या नहीं, फिर मैं इनको भी उठा ले रही हूँ। तो देखा आपने बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है आपका बीच स्टाइल फिश फ्राई रेसिपी, बहुत ही अच्छे मसालों के साथ, हेल्दी मसालों के साथ बन जाता है। तो घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।